أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا لکھے آن بہارا وچ گلشن مال باغ تو مکھ پرتا آواز مار کے یارو باپ وانگوں پت کہہ کے کسے بلاوڑ نہیں جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری اوے لاڈ کسے لڈاوڑ نہیں دل روندار رہندے تاں لوگو دل روندار رہندے تاں لوگو جان والے مڑ کے آوڑا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی شان و عظمت دے پاک مبرہ معلی کلمات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے خاص درود و سلام آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امام الخدا والی بتہا شمس الضحیٰ بدر الدجا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی دوستو بزرگو انتہائی قابل قدر نوجوان ساتھیو عزت دلائک معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العزت دا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اللہ مالک نے اپنی توفیق خاص نال سانو سارے اس مقام تے جمع فرمایا دعا کرو اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے انسان دنیا تے جدو آندا ہے دنیا تے آن تو بعد او دے رشتے ناتے کئی لوگاں دے نال جڑ جاندے کوئی چاچا بن جاندا ہے کوئی ماما بن جاندا ہے کوئی نانا نانی بن جاندے نے کوئی دادا دادی بن جاندے نے لیکن ادوں جدو انسان دنیا تے آ جاندا ہے لیکن کچھ رشتے ایسے نے کہ انسان جے دنیا تے آیا نہیں ہوندا کہ وہ رشتے پہلے ہی اللہ نے بنا چھڑے ماں دے بطن دے اندر بچہ جے چند ماں دا ہوندا ہے تے ماں والا رشتہ بھی بن جاندا ہے باپ والا رشتہ بھی بن جاتا ہے ان رشتیاں دی قدر و قیمت بندے نوں ادوں پتہ لگدی ہے جدوں یہ رشتے دنیا تو چلے جان اور پھر لکھ کوئی پیار کرے محبت کرے کندھیاں تے چکی پھرے جو پیار اور محبت ماں نے کرنا ہے یا باپ نے کرنا ہے او کو دوجا کردا نہیں کردا چھوٹی جی مثال تہانوں دینا ماں باپ دے وچوں کسے نے بچے نوں چکیا ہوئے تے بچہ پیشاب کر لے تے نہ ماں منہ وٹاندی ہے تے نہ باپ منہ وٹاندا ہے
चाचा जिन्ना मर्जी प्यार करद, मामा जिन्ना मर्जी प्यार करद, फुफियां मासियां जिनी मर्जी मुहब्बत करन, इधरों बच्चे ने पेशाब किया नहीं तो उन्होंने कंधियां तो ला के सुटिया नहीं। इंज हुंदा कि नहीं हुंदा? जिन्ना मर्जी कोई प्यार करे, माँ बाप वर्गी मुहब्बत कोई कर सकता नहीं? कर सकता। अल्लाह ने रिश्ते ही बड़े अनमोल बनाए ने। वैसे तो सारे रिश्तों की कदर करने का हुक्म इरशाद फरमाया है, लेकिन वालिदैन वास्ते खसूसन अहकामात जारी फरमाए। जदों दी अल्लाह ने कायनात बनाई है, जिन्हें नबी दुनिया ते आए ने, जिन्हियां किताबां आसमान तो नाजल हुई ने, अल्लाह ने यह हुक्म हर नबी नू इको जैसे ही बयान फरमाया है, आसमान तो नाजल कीता है। हर नबी ने इसी अंदाज अंदर ही अपनी उम्मत नू सुनाया है, अल्लाह की इबादत करनी है, उहदे नाल किसी नू शरीक नहीं ठहराना, तो माँ बाप की खिदमत करनी, मापिया नाल उसने सलूक करना है। फिर ये हुक्म इंजदा है, किसी भी मजहब के अंदर बदलिया नहीं, किसी दौर अंदर बदलिया नहीं, किसी भी कानून और जाबते के अंदर तब्दील नहीं होया। अल्लाह ने पहले दिन तो ये हुक्म इवें जारी फरमाया है कि मेरी इबादत अंदर किसी शरीक नहीं करना, और मापिया की खिदमत तो मूँह नहीं फेरना, उन्होंने उसने सलूक करना है, एहसान करना है, खिदमत करनी। मैं इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वक्त के अंदर खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर वालिदैन की अजमत के हवाले नाल चंद बातें तुहाडे सामने गोश गुजार करनी हैं। दोस्तों हबाब ने मेरे जिम्मे उनवान लगाया, मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा मेरा अल्लाह सानू सारे नू सुन के समझ के उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब अलैहि सलातु वसलाम दे सीने पाक ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक दा नुज़ूल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना। फरमाया कायनात दे लोगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कानून लिख दिता है, जाबता बना दिता है, हुक्म जारी कर दिता है कि अल्लाह तो इलावा किसी की इबादत नहीं करनी, और अपने मापिया के नाल हुसने सलूक करने, अपने मापिया की खिदमत करनी है, अपने मापिया के नाल एहसान करने। तुसी आयत अमूमन पढ़ते भी रहेंदे हो, सुनते भी रहेंदे हो उलमाए किराम दे कोलों। अल्लाह ताला ने एहसान का तरीका इस आयत के अंदर बयान फरमाया है। मैं तुहाडे विचों किसे बंदे कोलों ना उन्हें खड़ा करके पूछा ना कि मैनू दस कि मापिया नाल एहसान का मतलब की है, तो वह सादा जिहा इन्ना ही कह सकता है कि वालिदैन की खिदमत करना, उन्होंने अगों उच्चा ना बोलना, उन्होंने अदब करना। इन्ना कोई सानू पता है ना वालिदैन नाल एहसान का की मतलब है, लेकिन अल्लाह ने इस आयत के अंदर ही एहसान का मतलब समझाया है। मैं पहले तुहानू वह आयतां पढ़ के सुनाना, तर्जमा सुनाना, फिर इंशाल्लाह तुहानू गल समझ अंदर आएगी, और मैं समझावांगा मिसालां दे करके कि एहसान किनू कहिंदे ने, वालिदैन नाल एहसान किवें करना है। अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना, गौर करना। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी जी इको घटा दो तो बाकी आवाज़ सैट है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सीने पाक ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक दा नुज़ूल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। फरमाया कायनात दे लोगो, तुहाडे वालिदैन दे विचों कोई एक यानी माँ या बाप या दोवें अगर मौजूद ने, तुसी जवानी दी उम्र अंदर आ गए, मापे बुढ़ापे दी उम्र अंदर पहुँच गए ने, फरमाया हुण की कम करने,
फला तकुल लहुमा उफ़िन। ए पहला हुक्म एहसान का तरीका अल्लाह खुद समझा रहे ने, फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़िन, वालिदैन नू उफ तक नहीं कहना। उफ का मतलब की है, जान दियो ना जदों बसा औकात असी कोई जनाब कम करन लगीए, काम सही ना होए, गलत हो जाए तो साड़ी जुबान ते पहला लफ्ज उफ आया कर दे, अफसोस आया कर दे। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह अल्लाह ताला ने यही हुक्म जारी फरमाया है। बुढ़ापे वाली उम्र अंदर जदों वाले दैन पहुँच जाएंगे, कई काम इंज दे करनगे जेडे जवाना नू पसंद आंदे हुंदा है ना, इंज घर चंद हुंदा है ना, माँ कम कर दी ते बेटे नू पसंद नहीं आया, बेटी नू पसंद नहीं आया, बाप कोई कम कहंदा ते पुत्र नू चंगा ही नहीं लगता। ये फिर अगों मशवरे देंदे ने सियाने सियाने, हैं तेनू बाबा पता ही नहीं है, पता नहीं केड़ी दुनिया ते जिंदगी गुजार छड़ी है तू, तेनू नहीं पता दुनिया कित्थे पहुँच गई, तुसी इत्थे दे इत्थे ही रह जाना है। ये अजकल दे नौजवानों के जुमले ने, अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ नहीं जवानो नहीं, अल्लाह ने यही हुक्म जारी फरमाया, वाले दैन नाल उसने सलूक का पहला तकादा सुन लो, फला तकुल लहुमा उफ़िन, उन्होंने उफ तक भी कहना नहीं कहना। अगर वो कोई फैसला कर दे, कोई कम कर दे, हाँ शरीयत दे मुनाफी ना होए तो उन्होंने हुक्म नूं तुसां मनना है, वो जिमें कहने में तस्लीम करना है, उन्होंने अगे चौड़ा नहीं होना, आकड़ खां नहीं बनना, फन्ने खां नहीं बनना, अपनी तालीम नहीं झाड़नी। वो फिर भी जो भी है तू, तू उन्हां दा पुत्र है, तू उन्हां दी धी है, उन्हां दे सामने उच्ची बोलन का हुक्म नहीं है। ये शाम का पहला जो तकादा है अल्लाह ने खुद बयान फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ़िन, उन्होंने उफ तक भी कहना नहीं कहना। हुण दूसरा तकादा तवज्जो करना, गौर करना, अल्लाहु अकबर अल्लाह, अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहे है। अल्लाह फरमांदे ने फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, उन्होंने उफ तक नहीं कहना थे, उन्होंने डांटना भी नहीं है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अमूमन पता की हुंदे, जिमें जिमें जनाब वाले दैन बुढ़ापे वाली उम्र अंदर ये जनाब उम्र का तकादा भी कुछ होया कर दे, कुछ इन्होंने अंदर आदतां भी बचपने वालियाँ आ जाया कर दियाँ ने। खुद मेरे पैगंबर ने बुढ़ापे वाली उम्र नू रजील उम्र आखे है, और इस उम्र के अंदर बंदा दोबारा बचपने अंदर आ जाता है, ना खुद चल सकता है, ना खुद उठ सकता है, ना खुद बैठ सकता है, अपनी मर्जी नाल कोई कम नहीं कर सकता। जिवें बचपन के अंदर बच्चे नू सहारे की जरूरत होंदी है, इवें बुढ़ापे वाली उम्र अंदर बूढ़े वालिदैन नू भी सहारे की जरूरत पैंदी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते उदों जनाब वालिदैन नू कई मौकियां ते औलाद दे कम चंगे नहीं लगदे, या बसाउकात वालिदैन कोलों कोई गलती हो जांदी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जिहड़े वालिदैन दे कम औलाद नू चंगे नहीं लगदे, फिर औलाद सियाणी बनन दी कोशिश करदी है, अपने मापियां नू डांटन लग जांदी है, मां नू जनाब डांटन लग जांदे ने, पर जनाब बाप नू डांटन लग जांदे ने। अल्लाह फरमांदे ने वला तनहरहुमा, इन्हां नू डांटना नहीं है। अल्लाह सोहणिया फिर की करिए, फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, इन्हां नाल जिहड़ी भी गल करनी इज्जत नाल करनी है, इन्हां नू जदों भी बुलाना है इज्जत नाल बुलाना है, इहतराम नाल बुलाना है, अदब दे नाल बुलाना है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। यानी कोई गल समझानी पै गई है, अच्छे तरीके दे नाल अपने मापियां दे कोल बैठ करके कहना है, अब्बा जी ए कम दुरुस्त नहीं है, इहदा ए नुकसान हो सकदा है, मां जी तुसीं फलां कम कर रहे हो, ये कम ठीक नहीं है, इंज ना करो ते इंज कर लो। यानी अच्छे तरीके नाल इज्जत नाल समझाना है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। उन्हां नाल गल करनी ते इज्जत नाल, उन्हां नू बुलाना है ते इज्जत नाल बुलाना है, अब्बू जी कह के अम्मी जान कह के बुलाना है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इहसान दा अगला तकादा अल्लाह फरमांदे ने वखफिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, ऐ कायनात दे लोगो अपने मापियां लई नरमी दे पहलू जनाब फैला लेने ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इहदा तुहानू सादा जद मैं तर्जमा समझावा, मैं तुहानू तर्जमा कीता है नरम पहलू अपने मापियां वास्ते फैला लेने ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। कई बंदियां नू समझ कोई नहीं आई कि नरम पहलू तू की मुराद है। हुण मैं तुहानू दसना इहदी तफसीर, जिहड़ी सादा लफ्ज़ां दे अंदर कई गल्लां इंज दीआं हुंदीआं ने सानू इलमी तरीके नाल समझ नहीं आउंदीआं,
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਸਾਡਾ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹ ਬੂਹੇ 'ਚ ਵੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜਾਬਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਟੁਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਦੂ ਫੈਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬਾਦੂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੰਕ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਮਰ 'ਤੇ ਥਾਪੜੀ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੋਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ 'ਤੇ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਵਖਫਿਜ ਲਹੁਮਾ ਜਨਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਨ ਅਰ-ਰਹਿਮਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦੂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦੀ ਜਨਾਬ ਦਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਹਿਫਲ ਸਜੀਏ ਅਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਪ ਦਾ ਫੋਨ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਜੋ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਵਖਫਿਜ਼ ਲਹੁਮਾ ਜਨਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਨ ਅਰ-ਰਹਿਮਾ, ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਨਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ੂ ਫੈਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਗਰ ਖਲੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਹੈਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫਟੀਕ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਇੰਜ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਾਕ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧਕੁਰ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਿਆ ਕੈਸਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਏ, ਤਜ਼ਕਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਦੋਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਨਬੀ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਦਾਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਦ ਕਾਲਾ ਲੀ ਅਬੀ ਯਾ ਅਬਤੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਐ ਜਿੰਨੇ ਹੁਫਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਏ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਦਾ ਕਿਰਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੈਦ, ਐ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਪ ਮੋਮਿਨ ਨਹੀਂ ਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਡਾਂਟਦਾ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਤਰਮ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਰਾ, ਅਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਬਤੀ।
जी ए मेरे प्यारे अब्बा जान, जेड़े लोग अरबी जानते ने वह इस गल नूं समझणगे ते बाकियां नूं मैं समझा देना। अरबी लुगत दे अंदर इस तो ज्यादा अदब वाला लफज आया ही कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, ला मापियां नूं अदब नाल बुलाणा है, अब्बा जान नूं बुलाणा ते या अबती कह के, अम्मी नूं बुलाणा ते या उम्मा कह के बुलाणा है। अल्लाहु अकबर, ये अरबी दे अंदर अल्फाज ने अल्लाहु अकबर अल्लाह, लेकिन इन्हां दा तर्जमा तुहानूं पंजाबी अंदर अबू जी कह के बुलाणा है, अब्बा जान कह के बुलाणा है। ते जदों नाल ता लग जाए ना, इहदा मतलब प्यारा होया खरद है। ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, अल्लाहु अकबर अल्लाह, लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अनक शैया। तुसीं इन्हां बुत्तां दी इबादत क्यों करदे जे ये तुहानूं नफा नुकसान नहीं दे सकदे। फिर पता की फरमांदे ने, फरमांदे ने या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मैं तुहाडे कोल इलम लै करके आया। अल्लाहु अकबर, ला इलम ओ नहीं है जिहड़ा मदरसे अंदर पढ़े है, इलम ओ नहीं है जिहड़ा कॉलेज अंदर पढ़े है, इलम ओ नहीं है जिहड़ा यूनिवर्सिटी दे अंदर पढ़े है। इलम ओ वे जिहड़ा आसमान तो रब्बे कायनात ने नादिल फरमाया है, जिबरील लै करके आए ने वही दी सूरत दे अंदर। नबूवत वाला इलम है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल। फरमांदे ने अब्बा जान, मैनू अल्लाह ने इलम अता फरमाया, मैं इलम लै कर, इलम झाड़िया नहीं है बल्कि इलम दा अदब दसिया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह, साडे कई नौजवान पढ़ जाण ना ते उहनां विचों अदब उवें निकल जांदा है, इहतराम मुंजी निकल जांदा है। ते इब्राहीम की फरमांदे ने, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सवीया। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मैं अल्लाह कोलो इलम लै करके आया, वो इलम तुहाडे कोल पहले नहीं सी, इस वजह तो तुसी गलत रस्तियां ते चल रहे सो। बाबा जान, मैं इलम लैके आया वा, इस इलम नू पढ़ो ते सही ना, इस इलम नू सीखो ते सही। अल्लाहु अकबर, ला हो सकदा तुसी गुमराही दे रस्ते तो निकल आओ, इस गलत रस्ते नू छोड़ दिओ। डांटिया नहीं, झिड़किया नहीं, दबाया नहीं, बल्कि प्यार नाल कह रहे ने, फरमांदे ने, या अबती ला ताबुदि शैली मा ताबुदि शैतान ला ताबुदि शैतान इन्ना शैतान काना लिर्रहमान असिया। अब्बा जान, शैतान आखे ना लगे आजे, शैतान ते खुद भी रब दा ना फरमाने, तुहानू भी उस पासे चलाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमांदे ने, या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान फतकूना लिश्शैतान वलिया। अब्बा जान, अगर तुसी शैतान पीछे लगोगे ते अल्लाह दा अज़ाब आ जाएगा। डरा रहे ने, लेकिन अब्बा जान कह के डरा रहे ने, कोई बहुता जनाब एवें गुस्से अंदर आके डांट के झिड़क के नहीं, आसान ते सौखे लफ्जां दे अंदर सामने बैठ के अदब एहतराम वाले अंदाज दे अंदर फरमांदे ने, अब्बा जान शैतान पीछे लगोगे ते अल्लाह दा अज़ाब आ जाएगा। मैं चाहना वा तुसी शैतान दे आखे ना लगो ते रब दे अज़ाब कोलो बच जाओ। अल्लाहु अकबर, बाप सारियां गल्लां सुनदा रहा, तो सुनन तो बाद पता की फर्क कहन लगा, कहंदा काला अरागिबुन अंताना आलिघतिया इबरा ईमो ला इल्लम तंतगे ला अर्जुमन्नका ला अर्जुमन्नका वगजुरनी मलिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह, बाप कहंदा ऐ इब्राहिम, मैनू लगदा है तू मेरे माबूदा दियां दुश्मनियां पे करना है, तू मैनू मेरे माबूदा तो हटाण दियां गल्लां पे करना है। सुन ले, अगर तू दोबारा कोई सलाह देगा तो मैं तेनू पत्थर मार मार के रजम कर देंगा, या फिर तेनू जी मैं घरों निकाल देना है, देश निकाला दे देना है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता की फरमाया, फरमांदे ने काल सलामुन अलैका सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु काना बी खफिया। फरमांदे ने अब्बा जान, की होएगा जे तुसी मैनू पत्थर मार लोगे, की होएगा जे तुसी मैनू डांट लोगे, की
होएगा जे तुसी मैनू छिड़क लोगे मैं फिर भी तुहानू सलाम ही करांगा अब्बा जान मैं फिर भी तुहानू सलूट ही करांगा मैं फिर भी तुहाडा अदब करांगा एहतराम करांगा और तुसी मैनू जिन्ना मर्जी बुरा कह लो मैं रब कोलो तुहाडे लई दुआवां करांगा रब कोलो इस्तगफार करांगा मेरा रब मेरे बड़ा करीब है मैनू यकीन है कि मेरा रब मेरिया दुआवां कदे रद्द नहीं करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐ जवाब दे रहे हैं ते साढ़े थोड़ा जो हो जाए ना माँ प्यो नाल नाराजगी ऐ सानू वखरे कर दियो हिस्सा दे दियो साढ़ा अल्लाह अकबर अल्लाह फिर माँ बाप का तज़किरा करनगे गालां कढ़ के। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह लानत करे उस बंदे ते मन सब्बा वाली दे जिहड़ा अपने वालिदैन नू बुरा भला कहिंदा है वो केड़ी कामयाबी खटन लगा तू अपने मापियां दियां बुराइयां करके वो तेरे वालिदैन ने मैं रिवायत पढ़ी है इत्थों तक नबी अली सलातु वसलाम ने फरमाया बाप करो निकाल भी देवे औलाद नू अपने घर विचों कुछ भी ना देवे ते फिर भी औलाद कोल इन्ना भी हक नहीं है कि बाप दे सामने खड़े हो के उन्हां कोल अपना हिस्सा मंग सके। साढ़े कई घर के मसायल ही इस तरह के ने बाप सिर्फ इस वजह तो नहीं झुकता कि मैं बाप हाँ औलाद ने इस गल नूं समझना चाहिए तो औलाद इस वजह तो नहीं झुकती लै असी हुण जनाब वड्डे हो गए हाँ साढ़ा हक इस घर अंदर वो अजे तेरा हक कित्थों बनया है। मेरे नबी को एक जवान आया आके नबी पाक को शिकायत लगाई अल्लाह दे पैगंबर मेरा बाप अपनी मर्जी नाल ही मेरे पैसे खर्च की रखदा है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस बाप नूं बुलाया वाकिया लंबा मैं मुक्सर करके सुनान लगा तो जदों नबी पाक दे कोल बजुर्ग आया ना उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया उदी गल सुन के तो मेरे महबूब दी अखा भी बरस पईआं। नबी पाक ने जवान नूं बुला लिया बुला करके फरमाया अम तव मालुक अली अभी खा वो तू कहना तेरा माल है तू तो आप अपने बाप दा है तेरा माल किवें हो गया है जिनी देर तू अपने बाप दा उन्नी देर तेरा माल भी तेरे बाप दा ही है। ये बाप ना लड़े ने ते शिनाख्ती कार्ड ते वलदीयत ते अब्बे दी नाल शख्सियत जनाब उहदा नाम लिखवाया है उंजे नाराज ने हैं। अल्लाह सब नूं समझण दी तौफीक अता फरमाए जदों औलाद तेरी सामने बैठी हुंदी है ना ते जदों मुतालबे करदी तेरे कोलों कदी पुत्र धी बीमार होए तो लैके हस्पतालां डाक्टरां वल जाए एक दिन बैठ के सोची जो तू छोटा से तेरा बाप भी तेनू एवें ही लैके जांदा हुंदा सी तेरे लिए एवें ही मुशक्कतां बर्दाश्त करदे सी जिवें अज तू अपने बच्चियां लई कर रहे हैं। सोच कल नूं जदों तू बूढ़ा होएगा तेरी औलाद जवान होएगी क्या तू बर्दाश्त करेगा जो रवैया तू अपने मापियां नाल रखे है वह तेरी औलाद तेरे नाल रखे। हज़रत इब्राहिम अपने बाप दा अदब करते रहे एहतराम करते रहे बाप ने करोन निकाल दिता है हकीकत दे अंदर तो रब ने पता की सिला दिता है पुत्र नूं आखिया बेटे इस्माइल तेरी गर्दन ते छुरी चलानी तो बेटा की कहिंदा है कहिंदा है इंशाअल्लाह मेरे साबिरीन सताजी दूरी इंशाअल्लाह मेरे साबिरीन अब्बा जान सबर करके दिखावांगा जिवें रब ने हुक्म दिता है पूरा करके दिखाओ। असी आने साड़ी औलाद साढ़े सामने तिंग दी आकड़ दी गलां कर दी वजह की है असी खुद मापियां दे ना फरमान जेड़ा बंदा अपने मापियां दा फरमा बरदार है बरसरे मिंबर दुश्मन हल्फ ने गल कांगा उदी औलाद कदी भी ना फरमान हो सकती नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना गौर करना जरा ये बाप दियां वफावां नूं याद करे अखर जो तेनों बाप दियां गलां चंगियां ना लगन। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना बल दी अग ते आप खलोंदा लोक बाप जिया कोई नहीं होंदा बल दी अग ते आप खलोंदा लोक बाप जिया कोई नहीं होंदा हनेरी मी तूफान भी वेंदा हंस के सारियां सख्तियां सहंदा हनेरी मी तूफान भी वेंदा हंस के सारियां सख्तियां सहंदा बच्चा वेख नी सकदा रोंदा पुत्र वेख नी सकदा रोंदा लोको बाप जिया कोई नहीं होंदा ओ कदी भी जेड़ा थकदा नहीं जे
जिदा मन मन अकदा नहीं जे ओ कदी भी जेड़ा थकदा नहीं जे जिदा मन मन अकदा नहीं जे मथे वट जरा नहीं पौंदा लोको बाप जया कोई नहीं होंदा बच्चे लिखन पढ़ावन लई औलाद दा कल बनावन लई बच्चे लिखन पढ़ावन लई औलाद दा कल बनावन लई अल्लाह अल्लाह अपना अज भी दाते लौंदा लोको बाप जया कोई नहीं होंदा पावे सुख हजार लोगो बाप दे नाल बहारा लोगो पावे सुख हजार लोगो बाप दे नाल बहारा लोगो बाप ना होवे कुछ नहीं होंदा ओ बाप ना होवे कुछ नहीं होंदा बाप जे आ कोई नहीं होंदा अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना हज़रात मोहतरम गौर करना अल्लाह दा कुरान अल्लाह फरमांदे ने वखविद लहुमा जना खदुल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाह फरमांदे ने लोगो अपने मापियां नु छिड़कना नहीं है दबाना नहीं है अदब नाल एहतराम नाल गलबात करनी है उन्हां नु बुलाना इज्जत नाल बुलाना है अदब नाल बुलाना है अल्लाह को अकबर अल्लाह उन्हें हर वक्त नरम पहलू झुका करके रखने ने हर वेले उन्हें बाजू फैला करके रखने ने फरमाया वकुर रब्बिर हम हुमा कमार बयानी सगीरा और अपने मापियां लिए हर वेले दुआवां करनिया ने अल्लाह को अकबर है दुआ में नल जरा मिल के पढ़ो जरा रब्बिर हम हुमा कमार बयानी सगीरा अल्लाह सुने जिम्मे साढ़े मापे बचपन ते साडे नाल प्यार करदे रहे मुहब्बत करदे रहे अल्लाह इन्हां नाल भी प्यार कर मुहब्बत कर एक दुनिया ते ने इन्हां नूं सलामत रखी ते आखरत अंदर तेरे कोल आ गए अल्लाह तू इन्हां दे नाल जनाब उवें शफकत करी जिवें बचपन अंदर साडे नाल करिया करदे सन अल्लाह को अकबर अल्लाह जिंदगी अंदर कई मरतबा हाथ उठाए होणगे असीं दुआवां लई अल्लाह मेरे पुत्र नूं शिफा दे दे अल्लाह मेरी बेटी नूं आराम दे दे अल्लाह मेरे घर अंदर सुख पा दे अल्लाह रिज़क अंदर बरकतां पा दे अपने मन कोल अंदर डुब करके सवाल कर किन्नी वार मां लई हथ उठाए ने किन्नी वार अपने बाबा लई हथ उठाए ने अल्लाह मेरे मापियां नूं सलामत रखी अल्लाह दुनिया तो टुर गए ने नदियां कवरां नूर नाल मुनवर फरमाई अल्लाह को अकबर अल्लाह बड़िया बड़िया दुआवां करनियां रब दे कोलों नहीं करदे ते मापियां लई कोई नहीं करदे शाम दा तकाज़ा है मापे जिंदा ने ते तां वी दुआवां करिया कर मापे टुर गए ते तां वी दुआवां करिया कर मैं दुआ करनी ते तुसां आमीन कह दे अल्लाह सोनिया जिन्ना दे मापे जिंदा ने ता देर सलामत रखी अल्लाह सानू खिदमत करने दी तौफीक अता फरमा दे ते जिन्ना दे मापे टुर गए ने अल्लाह उन्हां दी कबरां नूर नाल मुनव्वर फरमा अल्लाह औलादां वाले दैन वास्ते सदके जारिया बना दे अल्लाह खो अकबर अल्लाह बाप लई दुआ करन लगा मैं अलग तो अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गौर करना बाप दा विछोड़ा किसे बंदे नू ना पा ਵੀ ਰੱਬਾ ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਲੁਕਾਂ ਵੀ ਰੱਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਮੀਨ ते जिन्ना दे टुर गए ने अल्लाह उन्हां पुत्रां नूं सबरता कर बापे टुर जाण ना औलाद भावें आखरी उम्र अंदर क्यों ना पहुंची होए बाप उस वेले भी दुनिया तो जाए ते बाप दे जनाब औलाद दी कमर इक मरतबा टुट जाया कर ए गल ना तुहानूं नहीं समझ आणी उन्हां बंदिआं नूं समझ आएगी जिन्हां ने अपने मापिआं नूं अपने हत्थां नाल कबर अंदर उतारे है अल्लाह खो अकबर अल्लाह जमात दे माया नाज़ खतीब मौलाना सैयद सवतैन शाह नकविया फिजाहुल्लाह तआला कल उन्हां दे वालदे मोहतरम दुनिया तो चले गए दुआ करो अल्लाह शाह जी दे वालदे मोहतरम दी कबर नूर नाल मुनव्वर फरमाए शाह जी जनाजा पढ़ाण लगे ना हालांकि उन्हां दी उम्र भी मेरे ख्याल नाल 50 साल दे करीब या ज्यादा होएगी ते जदों जनाजा पढ़ाण लगे ने फरमांदे ने बड़े बड़े जनाजे पढ़ाए मैं अपनी जिंदगी दे अंदर इन्ना दुख अज तक
फर्क नहीं लग्या जिन्ना अपने बाप का जनादा पढ़ाण लग्या पे लगता है। अल्लाह को अकबर अज पता लगता पे बाप दुनिया तो टुर जाए ते कमर टुट जाए अखर दिए। अल्लाह को अकबर बाबा चला जाए ना ते जनाब साए शबकत सिर तो उठ जाया कर दे। अल्लाह को अकबर अल्लाह असी जिंदगी अंदर कई मरतबा इंज मुसीबत के दरवाजे ते पहुँच गए ते बच जाने वापस मुड़ाने। अल्लाह को अकबर असी कहने पता नहीं केड़ी नेकी खम आ गई उस वेले वीरा नेकी नहीं उस वेले ते तेरे मापिया दियाँ दुआवा कम आ रही होंदिया ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह माँ घर बैठी दुआवा पे कर दिए बाप घर बैठे ते दुआवा पे कर दे। जिस दिन घरों मापे टुर जान ना अगले जहान चले जान ये दुआवा वाले डिपू बंद हो जाते ने उस दिन फिर बंदा कल्ला ही बह के रो रोंदा रह जाता है फिर दिलासे देने वाला कोई नहीं होया करदा। यार बेली सज्जन अपने घर वाले अब तक साथ छोड़ जाते ने पर मापे कदी साथ नहीं छड़िया कर दे। इस वास्ते दुआवा करिया कर अपने मापिया लई। अल्लाह को अकबर अल्लाह बाप दा विछोड़ा किसे बंदे नू ना पावी रब्बा चन जे सोना चेहरा साथ ना लोका वी रब्बा। मां बाप जिंदा होने फिक्र हुंदा नहीं औलाद नू राखी पे करन कोई छेड़े ना गुलाब नू। बाप जे बूटिया नू ओ बाप जे बूटिया नू कदे ना सुका वी रब्बा चन जे सोना चेहरा साथ ना लोका वी रब्बा। अल्लाह को अकबर कुराने पाक दा जे पहला मकाम तुहानू सुनाया आउन अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मकाम सुनावा। अल्लाह फरमांदे ने बाबा सही नल इंसान बेवाली देगी बेवाली देगी बेवाली देगी। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगो असी इंसानां नू कमजारी फरमाया है। अल्लाह को अकबर अल्लाह कई हुक्म जड़े अल्लाह ने मोमिना नू जारी फरमाए ने कई हुक्म जिथे नास दा लफज बोले है। अल्लाह को अकबर अल्लाह वालिदैन दा जदों वालिदैन दा हुक्म जारी फरमाया ते अल्लाह ने लफ्ज़ इंसान बोले है। हर बंदा किसी भी मदद नाल तअल्लुक रखण वाला अल्लाह फरमांदे ने सारियां लई मैं हुक्म जारी कीता है। अपने वालिदैन नाल उसने सलूक करना है वालिदैन की खिदमत करनी है वालिदैन दा अदब करना है एहतराम करना है। फरमाया हमलत उम्मुहु वगन नाला वाइल वफिसालुहु फी आमैनि अनिश्कुर ली वाली वालिदैका इलैयल मसीर। फरमाया मापियां की खिदमत करनी है ते मापियां दे विचों बाप नालों बढ़ के अपनी वालिदा की खिदमत करनी है क्योंकि माँ ने बड़िया तकलीफा उठाइया। अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला आया ते आके नबी पाक दे कोलो सवाल कर दे मन अहक भी उसने सोहबती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे पैगंबर मेरे उसने अखलाक दा सब तो ज्यादा हकदार कौन है। आका फरमांदे ने उम्मू का ये कहंदा सुम्मा यूं या रसूल अल्लाह। आका फरमांदे ने सुम्मा उम्मू का फिर पूछ दे फिर फरमाया सुम्मा उम्मू का तीन मरतबा मेरे नबी ने फरमाया तेरे उसने सलूक दे सब तो ज्यादा हकदार तेरी वालदा है चौथे नंबर ते तेरा बाप है। पहले चार हक अल्लाह ने मापिया नू दिते ने पंजवा हक तेरे सजणा ते बेलियां दा पंजवा हक तेरे घर वालियां दा पंजवा हक तेरी बीवी ते तेरे बच्चियां दा। पहले चार हक अल्लाह ने वाल रसूलुल्लाह ने वालिदैन नू दे छड़े ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह इस वास्ते अपने मापिया की कदर करिया कर खिदमत करिया कर। अल्लाह फरमांदे ने अनिशकुर ली वाले वालिदई का ऐ मेरे बंदे अपने मापिया का भी शुक्र अदा करिया कर ते मैं रब का भी शुक्र करिया कर। अल्लाह तेरा किस गल ते शुक्र करिए इस गल ते शुक्र करना है तेनू मापिया जी अजीम नियमत अता की है मापिया जैसी अजीम रिश्ते अता फरमाए ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह मापिया का शुक्र त करना है तेरी जवानी तक तेरे जिम्मेदार तेरे मापे बन के रहने तेरी जवानी तक तेरिया खिदमत तेरे मापे करते रहने। अल्लाह को अकबर अल्लाह पहले मैं बाप के मुतलक चंद गल्लां कीतियां तो हुण वालिदा के मुतलक मां
कुरान के मुतालिक चंद गल अल्लाह अकबर हजरत जनाबे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे मुबारक जना एक नौजवान दी जनाब शिकायत आ गई है अपनी वालदा दी ना फरमानी कर दे अपनी वालदा नु तंग कर दे अल्लाह को अकबर परेशान कर दे अल्लाह को अकबर अल्लाह आपने बुला ले ते फरमांदे ने करो ना पानी दी एक मशक भर लो ते दे पेट ते बन दियो ना इनू खोलना नहीं है इस हालत दे अंदर ही रह गए बंदा अल्लाह को अकबर अल्लाह इस हालत दे अंदर ही खड़ा रहेगा बैठना ते इस हालत अंदर लेटना ते इस हालत दे अंदर खाना पीना ते इस हालत दे अंदर कदाए हाजत करनी ते इस हालत दे अंदर एक दिन ते करात गुजरी है आ गया जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दरबार अंदर अमीरुल मोमिनीन गलती बहुत बड़ी हो गई है मैनू माफ कर दियो ना ऐ जनाब सजा मेरे को बर्दाश्त नहीं की जा रही कोई और सजा दे लियो या मैनू माफ कर दियो ना ऐ जड़ी मेरे पेट ते मशक बनी जे इनू उतार दियो ना इहदा वजन नहीं मैं बर्दाश्त कर सकदा अल्लाह अकबर अल्लाह आप फरमांदे ने अल्लाह दे बंदे एक दिन ते करात नहीं कढ़ सकिया तेरी वालदा 9 महीने इवें इस हालत दे अंदर गुजार दी रही है अल्लाह को अकबर अल्लाह वो कदी दुख देन लगी सोचिया करना इस मां दे सीने ते दो बचपन दे अंदर पेशाब कर दे अखरदा अल्लाह को अकबर अल्लाह गर्मी हुंदी ते मां अपने बदन ते बर्दाश्त कर दी तेनु अपने दामन रहमत दे अंदर छुपा के रखिया कर दी बाप अपने कंधियां ते तेनु उठाया करदा मुशक्कतां बर्दाश्त करदा लोकां दे ताने बर्दाश्त करदा लेकिन कदी तेनु आंच नहीं आण दित्ती ओह वेखदे नहीं जे इदां दे मौकियां ते मापे पुराने कपड़े पहन के इदां पढ़ लैंदे ने पर बच्चियां दे तन ते नवे कपड़े पहनांदे ने असीं अपनी अखां नाल देखिया कई बाप अपने बच्चियां दियां जुत्तियां पुरानियां पा के ईद नमाज पढ़न जा रहे हुंदे ने ते पुत्र फिर भी नखरे करदा बाबा मैनू जुत्ती पसंद ही नहीं आई जिहड़ी मैनू तुसां लै करके दित्ती है ओ वीरे पता उस दिन चलना है जिस दिन अपने पैसियां नाल अपनी कमाई नाल लैण वास्ते जाएगा अल्लाह को अकबर अल्लाह हजरात मोहतरम इन्हां मापियां नूं झिड़किया ना करो इन्हां नूं तंग ना करिया करो इन्हां नूं सताया ना करो साढ़े को लोग बड़े बड़े मसले पुछदे ने कई मापे इन्ने सताए दुखां दे आंदे ने मौलाना दुआ करो ना पुत्तर ने 6 महीने मेरे नाल सलाम ही नहीं लई है मां आंदी मौलाना दुआ कर दो मेरे पुत्र वास्ते तू फिर भी बुलाना इतने मापिया बुरा भला कह के बुलाना इतने माँ को 6 महीने ना बुलाए वो सानू कहती मौलाना दुआ करे अज मेरे पुत्र वास्ते इन्हें कलेजे लिया के वखात सही ना ओखी दे सीने दे अंदर ने अल्लाह ने कलेजे दिते ने ते मापियां नूं अता कीते ने मेरे रब ने हौसले दिते ने ते मापियां नूं दिते ने अल्लाह को अकबर अल्लाह ना सताया कर अपने मापियां नूं ना तंग करिया कर अपने मापियां नूं ते ना आंसू बहाया कर अल्लाह को अकबर अल्लाह मैं तां क्या करना मां दी मुहब्बत दे बदले वद मां दे प्यार नाल किसे दा प्यार नहीं मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं वद मां दे प्यार नाल किसे दा प्यार नहीं मां जस दुनिया ते कोई गम खार नहीं लब जाए मां जिथों ऐसा कोई बदार नहीं वद मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं मां इक ऐसी है अजीम खस्ती मां इक ऐसी है अजीम खस्ती लगे मावां बाजो अपनी बेगानी बसती लगे मावां बाजो अपनी बेगानी बसती लब जाए मां जिथों ओ लब जाए मां जिथों ऐसा कोई बदार नहीं मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं मां दी ओ शान रब वखरी बनाइए ओ मां दी ओ शान रब वखरी बनाइए पुछियो दे कोलो जी दी टुर गई ओ माइए पुछियो दे कोलो जी दी टुर गई ओ माइए यतीमा थाई मावां जैसा लब दा प्यार नहीं यतीमा थाई मावां जैसा लब दा प्यार नहीं मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार फरमाया वक्ता
रब्बुकल्ला ताबुदो इल्लाहो व बिल वालिदैन हसाना। हज़रत मोहतरम तवज्जो करना गौर करना, अल्लाह दे कुरान दे अजे ते मैं तुहानू दो मकाम सुनाए। मैं अपने पैगंबर दे चंद फरमान तुहाडे सामने रखे अपनी गल मुकाना चाहना। मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक बंदा आया ते आके अरदा करदा, अल्लाह दे सोहणे पैगंबर किन्ना को हक मेरे मापियां ते मेरे वालिदैन दा, मेरे मापियां दा मेरे वालिदैन दा मेरे ते किन्ना को हक है। जिवें कई बंदे सोचदे ने यार आखिर इस्लाम ने किन्ना को हक मापियां नूं दे छड्या, ते मेरे नबी ने दो जुमलियां दे अंदर उस बंदे दा जवाब इरशाद फरमाया। आका फरमा हुमा जन्नत का बना रोका, तेरे मापे ही रब ने तेरे लिए जन्नत बनाए ने और तेरे मापे ही तेरे लिए दोदख बन के आए ने। मतलब कि मेरे पैगंबर दा अगर मापिया की खिदमत करेगा अल्लाह तेनू जन्नत अदा करेगा, अगर मापिया नाराज करेगा रब तेनू जन्नत तू महरूम करके जहन्नम की तरफ टोर देगा। अल्लाह खो अकबर अल्लाह, ए ते हुण तेरे हथ अंदर इख्तियार वीर सोने, चावे ते मापिया नाराजी करके रब कोलो जन्नत लै ला, भावे मापिया नाराज करके ते जहन्नम दा बालन बन जा। अल्लाह खो अकबर अल्लाह, आका फरमांदे ने मन सरगो अयम उदलहु फी अतरे व युबसत लहु फी रिज़्क़ी। अल्लाह खो अकबर अल्लाह फरमाया, ऐ कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा चाहुंदा उहदी उम्र दे अंदर बरकत हो जावे, जेड़ा बंदा चाहुंदा उहदे रिज़्क़ दे अंदर बरकत हो जावे, फल बिर वाली देगी। उस बंदे नू चाहिए लोगों के दे बड़ा खर्च कर दे, लोगों के नाल ते बड़ा हस हस बोल दे, अपने मापिया के नाल उसने सलूक करया करे, अपने मापिया से खर्च करया करे, अपने मापिया की खिदमत करया करे, अल्लाह दे रिजक अंदर भी बरकत पा देगा। मेरा अल्लाह उस बंदे की उम्र के अंदर भी बरकत फरमा देगा। अल्लाह खो अकबर अल्लाह, मैं तो इंज क्या करना इस हदीस के तर्जमे के अंदर, आय उम्र दरा जीदा तनू राज मैं दस जावा, मां बाप नू राजी कर तेरिया वध जाने सावा, इस गल नू बुलावी ना ते मां नू रुलावी ना, इस गल नू बुलावी ना ते बाप नू रुलावी ना, जे बाप दुआ कर दे, जे बाप दुआ कर दे तेरिया टल जान बलावा, आय उम्र दराजीदा आ उम्र दराजीदा तेनू राज मैं दस जावा, बड़ा सोहना यो वेला है जिथे मां बाप दा डेरा है, बड़ा सोहना यो वेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है, उस वेड़े तो रहिंदियां ने उस वेड़े च रहिंदियां ने सदा गूड़ियां छावां, आय उम्र दराजीदा तेनू राज मैं दस जावां, मां बाप नू राजी कर तेरिया वध जाने सावां। अल्लाह को अकबर अल्लाह, हज़रत मोहतरम जिन्नी मर्जी तेरे किसे नाल ताल्लुकात ने, सब तो बढ़ के तेरे ते हक है अगर ते तेरे वालिदैन दा बन दे, सब तो बड़ा हक ही दे हकूकुल इबाद दे विचो वालिदैन दा हक है। अल्लाह खो अकबर अल्लाह, बाप दे हकूक नबी पाक ने वखरे बयान किए ने, माँ दे हकूक नबी पाक ने वखरे बयान किए ने। कई बंदे साडे इंज दे ने मुआशरे दे अंदर जेड़े बाप दा हक अदा करदा करदा माँ का हक छोड़ जाते हैं, तो कई बंदे वो जनाब माँ का हक अदा करद्या करद्या अपने बाप ने कुछ साइड से दे कर देंगे ने। याद रखना अल्लाह के कुरान ने जोड़ा सबक सिखाया है, बाप मुशरक क्यों नहीं है, बाप काफर क्यों नहीं है, बाप घरों धक्के मार के तेन निकाल क्यों ना दे। मापिया का हक खत्म हों, कज के बोलो मापिया का खत्म हों,
नहीं हुंदा। इस वास्ते आ जिहड़े मसले मसाइल पुछण आ जांदे जे ना जी, बाप इंज पे करदा है, माँ इंज पे करदी, हुण सानू की करना चाहिए? वीर सोहणिया तेरे लई एक ही हुक्म है, फला तकुल लहुमा उफिम वला तनहर होमा। उन्हां दे सामने उफ भी नहीं करनी, उन्हां नूं डांटना नहीं, झिड़कना दबाना तो बड़ी दूर दी गल है। फरमाया वा इन जा हदा का अला अंतुश्री कभी माँ लई शला कभी ही इलम फला तुते होमा। अगर अल्लाह नाल शिरक दा हुक्म देन, सिर्फ इस एक गल की इजाजत है, वह तुसी नहीं मननी। बाकी कोई भी हुक्म माँ बाप जारी कर देन, वह हर हाल के अंदर मनना है, भावें तुहानू जहरी नुकसान नज़र आ रहा होए, अल्लाह उहदा बदला अता करदा है। और अगर माँ बाप की खिदमत का सिला मेरा उनवान हुंदा, फिर मैं सिर्फ तुहानू सिले ही दसदा कि अल्लाह किवें किवें सिला अता करदा है। गल मुखशरे है कि सब तो बढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बाद अगर हक है तो वालिदैन दा है, खिदमत दा है, इताअत दा, फरमाबरदारी दा, उन्हां नाल हुस्ने सलूक दा। अल्लाह ताला कोलो दुआ है, अल्लाह सानू सारे नू समझ के उस दे मुताबिक अमल करने दी तौफीक नसीब फरमाए। जिन्हां दे मापे जिंदा ने अल्लाह ता देर सलामत रखे, औलादा नू फरमाबरदार बना दे, मापियां दा खिदमत गुजार बना दे, औलाद नू वालिदैन दी अखां दी ठंडक बना दे, औलाद दे दिल वालिदैन दे हक अंदर नरम फरमा दे, वालिदैन दे दिल औलाद दे हक अंदर अल्लाह नरम फरमा दे। और जिन्हां दे मापे दुनिया तो टुर गए, अल्लाह उन मरहूम वालिदैन दियां कबरां नूर नाल मुनव्वर फरमा। और जिहड़ियां औलादां पिछे रह गईयां, अल्लाह औलादां नूं मापियां दे सदके जारिया बना दे। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।